ये सामने कुछ कह रहे हैं सुंदरों, हाँ तो आपका आवाज मुझे थोड़ा सा कम आ रही है। मेरी आवाज कम आ रही है? अभी ठीक है, अभी बेटर है। एक वैष्णव भजन में श्री भक्तिनाथ ठाकुर ने लिखा है वैष्णव भजन, और ये वैष्णव भजन श्री चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार से प्रातः कालीन के समय वो प्रतिदिन नगर संकीर्तन करने जाया करते थे अपने सारे पार्षदों के सहित। तो उस समय श्री चेतन महाप्रभु की भावनाओं के विषय में, उनके नृत्य के विषय में, उनकी उद्देश्य के विषय में, भजन में बहुत सुंदर प्रकार से श्री भक्तों ठाकुर वर्णन करते हैं। कुदिलो अरुणा पूर बबागे विजय मणि गौरा आमनी जागे, उदिलो अरुणा पूरब भाग, पूरब भाग मतलब पूरब मतलब ईस्ट, ईस्टर्न साइड, पूरब भाग से, पूरब से जिस प्रकार से सूर्य उदित राइज उदित होते हैं, उसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु साथियों के साथ नगर संकीर्तन करने के पड़ते। उसी भजन में एक लाइन आता है, उसमें बताया जाता है, नामाश्रया कोरी यतन तुमी ताकहा वर्ण का, नामाश्रय कोरी यतन, वन शुड एंडीवर टू टेक शेल्टर ऑफ द फूली नेम, एक व्यक्ति को हरिनाम की आश्रय लेने के प्रयास, नाम आश्रय हरिनाम की आश्रय है। अगर असलियत में देखा जाए यही एकमात्र आश्रय है। और कोई ना अपना होते हैं ना अपना रह पाए, इज द टाइम पासेस यू विल विटनेस हाउ द वर्ल्ड इज लीविंग यू बिहाइंड शेल्टरलेस। जैसे जैसे समय बीतता है आप स्वयं इस बात को अनुभव करेंगे, देखेंगे किस प्रकार से सारा दुनिया आप अल्टीमेटली अकेले ही छोड़ कर चले जाते हैं। दुनिया में
फिर और कहाँ जाएंगे? शेल्टरलेस आश्रय रहित जीवन हो जाता है, क्योंकि बोले चाहे व्यक्ति कितना बड़ा भी क्यों ना हो, हर किसी को आश्रय की जरूरत, हर किसी को आश्रय की जरूरत पड़ता है, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति। बिकॉज अल्टीमेटली एवरीबॉडी वांट्स टू शेयर, कम से कम ठीक है उनके पास तो सब शक्ति हो सकता है, सामर्थ्य हो सकता है, संपत्ति भी, सब कुछ हो सकता है, पर जब तक अपने हृदय की बात कहने के लिए कोई नहीं है तो वो व्यक्ति है। बहुत गरीब है, उनके पास कोई नहीं है जिनसे वो अपना हृदय व्यक्त करे। अगर इस दुनिया के लोगों के सामने अगर हम व्यक्त करें भी, they will simply look for an opportunity to exploit you. अगर इस दुनिया के लोगों के सामने अगर हम बोले भी, उनके लिए तो वो तो शोषण करने की एक माध्यम है, उसमें ढूंढते हैं। दूसरी ओर अगर कोई चाहे भी आश्रय देना, मदद करना, बट वो अपने आप में सक्षम समर्थ नहीं होता है उस प्रकार की आश्रय देने में, इसलिए कुल मिलाकर कुछ लोग शोषण करने के लिए तैयार है, कुछ आश्रय देना भी चाहे समर्थ नहीं। इसलिए वन हु इज नॉट शेल्टर्ड इन द स्पिरिचुअल मास्टर एंड होली नेम, ही इज लाइक अ मास्टरलेस डॉग। जिनको गुरु और हरिनाम की आश्रय नहीं प्राप्त हुआ है वो तो गली के कुत्ते की तरह, इसलिए हमें ये नाम है, डोंट सिंपली टेक इट टू बी अ प्रोसेस, केवल एक विधि के रूप में मत देखिए। अगर विधि के रूप में देखेंगे तो इट विल बी सो मैकेनिकल, केवल एक यांत्रिक ही रह जाएंगे, मैकेनिकल मशीन की तरह हो जाए, बहुत सूखा सूखा होगा। रादर चैंटिंग इज द मीन्स टू टेक शेल्टर ऑफ द होली नेम, सी इट एज अ शेल्टर। When you seek shelter in the holy name, then you can experience a great solace in the shelter. जब आप इस हरिनाम को उस आश्रय के रूप में देखते हुए, हरिनाम के आश्रय लेने का प्रयास करते, then अति शांति की और
संतुष्टि का आनंद का अनुभूति होता है। तो दिन भर अनेक कार्यों में व्यस्त रहते हैं और अनेक लोगों से मिलते हैं और अनेक परिस्थितियों को देखते हैं। Most of them are very disturbing. ज्यादातर तो वो व्यक्ति विचलित करने वाले होते हैं, अनुकूल नहीं होते। वैसा स्थिति में जब हम नाम जब को एक आश्रय के रूप में देखे, देन जो चीज बाकी लोग नहीं दे सके, इस प्रकार शांति संतुष्टि और आनंद जो बाकी अन्य परिस्थितियां चीजें नहीं दे सके, so he'll completely become oblivious. मतलब इन सारे चीजों के, मतलब चाहे जो भी परिस्थिति आ रही है, आप निश्चित इन सारा परिस्थितियों के ऊपर जाकर इस अनुभव को प्राप्त कर सकते अगर हरिनाम को एक आश्रय के रूप में देखकर उसे आश्रय करने का प्रयास करें। एंड अल्टीमेटली आश्रय प्रदान करने के लिए ही भगवान ने अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं बनाए हैं। यहाँ तक भी ये जो वर्णाश्रम धर्म के विषय में भी तो सुनते हैं, ये भी आश्रय प्रदान करने का ही एक योजना है, आश्रय प्रदान करने का ही योजना। तभी तो इसे गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम या वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम कहा। ये आश्रय प्रदान करने के लिए ही आश्रम बनाई गई है। बट फिर भी चाहे वर्णाश्रम धर्म भी क्यों ना हो, वो भी बौद्धिक स्तर पे है। बिकॉज इसी शरीर के साथ संबंधित है ये भी। क्योंकि आज में ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है, ब्राह्मण की तरह कार्य करने लगा दिन भर में और ब्राह्मण के गुणों को मनोविकसित कराता हूँ मैं, ब्राह्मण कल को पूछाओ कल को पूछाओ, तो इस प्रकार से रहता है। बट वही दैट इज ऑल्सो नॉट परमानेंट एंड एब्सोल्यूट। इसलिए असलियत में आश्रय अगर इस दुनिया में देखा जाए तो हरि नाम इज ऑलवेज अवेलेबल, इज ऑलवेज एक्सेसिबल, इज एवर रेडी। हरि नाम के रूप में भगवान हमेशा उपलब्ध, हमेशा अप्रोचेबल है और हमेशा बिल्कुल तैयार है हमारे पुकार सुनने के लिए। केवल समस्या इस बात की है कि भगवान का पुकार करनी है, भगवान को पुकार करनी है। इसलिए when we are chanting, it is a helpless call for child. बच्चे के निस्सहाय भाव से रोता हुआ जब माँ के लिए होता है, तो इस प्रकार से हमें भी पुकारना चाहिए। जब शुड कॉल आउट फॉर कृष्णा, तो उस पुकार में ही सारे अर्थ छुपा हुआ। All different meanings of the holy name, all different purpose of the holy name are simply embedded within that helpless call.
सुन सहाय पुकार नहीं सारे अर्थ पाओ बनाए आपके मनस्थिति आप क्या कहना चाहते हो भगवान से, ये सारे बातें इसी पुकार में भेज पाओ। इसलिए वन हु डज नॉट कॉल आउट तो ये तो बहुत बोरिंग लगेगा, जब बहुत बोरिंग लगेगा। बट व्हेन वी हेल्पलेसली कॉल आउट, व्हेन वी अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग, जब हम हरिनाम के असली अर्थ को समझते हुए सही ढंग से हरिनाम जब हम करेंगे इस प्रकार से कार के रूप, देन आप खुद देखेंगे कि विल फील दैट दिस चैंटिंग हैज कैरीज ग्रेट मीनिंग फॉर यू। Then it becomes not dry but enlivening. बाकी दिन भर आपको ड्राई लग सकता है बट नाम जब तो बहुत enlivening होता। जब जिस प्रकार से नाम जब करनी चाहिए अगर उस प्रकार से करे तो जिस प्रकार से करनी चाहिए अगर उस प्रकार से करे तो आपको बहुत enlivening experience होगा, बहुत lively लगेगा। बिकॉज holy name is not any dead sound vibration. It is not simply a dead sound vibration. Rather, it is full of life and full of energy. Full of life ki kehna hai kya hai to sara jeevan ka shrot hi harinam hai na. दशा तो भागवतम में कहा जाता है कि जैसा सारा सृष्टि कैसे होगी जब चर्चा की जाती है, द वेरी फर्स्ट एलिमेंट दैट केम इन एग्जिस्टेंस इज साउंड। सबसे पहला जो सृष्टि के अंतर्गत जो प्रकट हुआ है वो शब्द है। शब्द के बाद शब्द से ही बाकी सारे चीजें जितने भी पृथ्वी हो, ये जल हो, वायु हो, आग, सब कुछ बाकी सब कुछ शब्द से। इसलिए शब्द से जो सृष्टि शुरुआत हुई है उस सृष्टि की समापन भी शब्द से ही होगा। जिस सृष्टि की शुरुआत शब्द से हुई है तो सृष्टि के समापन भी इसी शब्द से। एंड सृष्टि के समापन ये प्रलय के समय भी नहीं होता। सृष्टि के समापन प्रलय के समय भी नहीं होता। थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिहिलेशन, तीन प्रकार की एनिहिलेशन या प्रलय है। उसमें ब्रह्मा जी का जीवन के अंत में भी जो होता है प्रलय, उसको भी आत्यंत की नहीं कहा जाता। तो तीन प्रकार के प्रलय में आत्यंत की प्रलय मतलब कंप्लीट एब्सोल्यूट सेसेशन ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस, पूर्ण रूप से सारा भौतिक सृष्टि समाप्त हो। ब्रह्मा जी का आयु के अंत में भी जो प्रलय होता है कहा जाता है उसमें भी पूरा समाप्त नहीं होता भौतिक सृष्टि। क्यों? कि वो प्रलय आने पे सारा कुछ भगवान के शरीर में चले तो जाता है बट फिर कुछ ही समय के बाद वापस सृष्टि हो जाता है ना, कुछ समय के बाद दोबारा सृष्टि हो जाएगी। तो इसका मतलब केवल थोड़ी देर के लिए दब गई या अंदर चले गई या नहीं रहा बट अल्टीमेटली कंप्लीटली तो खत्म नहीं हुआ भौतिक सृष्टि। इसलिए बताया जाता है कि आत्यंत की प्रलय ये कंप्लीटली भौतिक सृष्टि हमारे लिए, हमारे लिए ये भौतिक सृष्टि पूरा समाप्त हो जाना हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये तब होगी जब हमें जब एक जीव
जब एक जीव भगवत धाम को प्राप्त करता है हरिनाम के आश्रय से, इसलिए कहते अनावृत्ति शब्दात, आवृत होना, यह सारा सृष्टि होना शब्द से शुरू हुई है, तो अनावृत्ति भी शब्द से ही होगा, मतलब इसके समापन भी शब्द से होने वाले। तो ये अत्यंत की प्रलय शब्द से ही होगा, अत्यंत की प्रलय ये शब्द से होगा, ये हरिनाम से होने वाले। कि हमारे लिए पूरा बौद्ध सृष्टि समाप्त हो जाएगी, क्योंकि हम भगवत धाम चले जाएंगे, लेकिन फिर बौद्ध सृष्टि से कोई लेना देना ही नहीं रहेगा, सृष्टि होता रहेगा और खत्म होता रहेगा तो चलता रहेगी, बट हमारे लिए ये बौद्ध सृष्टि नामक चीज कुछ रहेगा ही नहीं, बिकॉज हम भगवत धाम चले, नाउ द मेटेरियल एग्जिस्टेंस हमारे लिए तो समाप्त हो गया, हम अभी आध्यात्मिक सृष्टि के हो गए, भगवान के बन गए, भगवान के धाम के निवासी हो गए, अभी हमारा कोई बहुत सृष्टि के साथ लेना देना नहीं रहे। तो यह सारा कुछ ब्रह्मा जी के जीवन के अंतिम समय पर भी इस प्रकार की प्रलय तो नहीं होता है, ये केवल नाम से ही संभव है, हरिनाम से ही संभव है। इसलिए द ओनली वे टू एस्केप और फिनिश ऑफ all the material sufferings is to take shelter of the holy name. इन सारे चीजों को समाप्त करने का यही एक माध्यम है, तरीका है, हरिनाम के आश्रय लेना। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि नाम जब हमें एक मैकेनिकली नहीं करनी चाहिए, rather we should seek shelter, आश्रय करना चाहिए। जैसा कि जो भी व्यक्ति आश्रय लेता है, then he will continuously pray during chanting. नाम जप करते वक्त वो निरंतर भगवान से प्रार्थना कहेगा, भगवान से कहेगा कि भगवान मैं तो अनाथ हूँ, अनाश्रित हो, हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप हमें स्वीकार करिए, हमें आश्रय प्रदान करें। अगर आप हमें टुकरा देंगे तो हम अनाथ ही रह जाएंगे, अनाश्रित हो जाएंगे। आपसे यही आग्रह कि हम स्वीकार, हालांकि हमारे पास कोई कारण नहीं है कि आपको क्यों मुझे स्वीकार करनी चाहिए, कहने के लिए, कन्विंस करने के लिए मेरे पास कोई कारण नहीं है, बट मैं तो केवल आपकी कृपा के आश्रित, आप अपने अहितु की कृपा के कारण मुझे स्वीकार, क्योंकि भगवान के अहितु की कृपा मतलब हेतु नहीं देखते भगवान, कारण नहीं देखते हैं कि मैं इस कारण से मैं कृपा करूंगा, इस कारण से नहीं करूंगा, अहितु ही है। तो आपकी आहितु की कृपा का ही अभिलाषा करते हुए मैं आपके पास आया हुआ, इसलिए आप मुझे स्वीकार करो और मुझे आप ठुकराओ मत करके हमें भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। स्वांगी कृत्य, दिस मीन्स हमें स्वीकार करो, हमें स्वीकार।
फिर इसी प्रकार की भाषा होती है। सिर्फ इसलिए चैंटिंग कैन नॉट बी माइंडलेस चैंटिंग, माइंडलेस थॉटलेस तो नहीं होता है। कैसे होगा माइंडलेस थॉटलेस, कैसे होगा? मन तो है ही ना, थॉटलेस कैसे हो जाएगी? तो थॉट्स आएंगी ही, बस हमें ये करना होता है कि वी हैव टू एलिवेट आवर कॉन्शियसनेस, हमें अपना चेतना को ऐसा ऊपर उठाना चाहिए जिससे हमारे सारा विचार भगवान के संबंधित विचार क्या है, उसके अलावा और इस विचार पर विचार आएंगे भगवत संबंधित। जैसा अभी मैं प्रार्थना कह रहा था, ये भी तो एक विचार का ही हिस्सा है ना, विचार का ही हिस्सा है। उसी प्रकार से व्यक्ति को प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से, भगवान मैं तो आपका ही तो सेवक हो, मैं तो आपका ही तो सेवक हो, अभी दुर्भाग्यवश मैं तो आपसे बिछड़ चुका, इसलिए मेरी यही प्रार्थना है आपसे, आप हमें अपनी सेवा में स्वीकार करें, अपनी सेवा में मुझे स्वीकार करिए, मैं तो आप ही का सेवक हूँ, अभी बिछड़ चुका हूँ, अभी तो मैं इधर उधर की सेवाएं में कर रहा हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी सेवा में लग जाऊँ, बहुत हो गया इधर उधर के काम करते करते, बट अभी इस जीवन तो मैं आपके लिए समर्पित करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे इस ऑफरिंग को स्वीकार करिए करके फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं। इसलिए इट इज chanting is a continuous process of it is nothing but a constant prayer offered to the Lord seeking his shelter, seeking his shelter. ये नाम जब मतलब ये हुआ कि निरंतर भगवान से प्रार्थना करते हुए भगवान की आश्रय, नाम के आश्रय लेना, यही नाम जप है, इस प्रकार से करनी चाहिए। एंड एज लॉन्ग एज वी आर होपफुल ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, तब तक कभी भी ऐसा निस्सहाय भावना नहीं आती है, जब तक हमारी कुछ ना कुछ आशा रह जाता है इस भौतिक दुनिया पे कि ये मेरी मदद करेगा, ये वैसा कर लेगा, ये मुझे ऐसा कर लेगा, तब तक आप कंप्लीटली नाम आश्रय तो नहीं ले पाते। नाम आश्रय लेना है तो अंडरस्टैंड हाउ होपलेस इट इज, हाउ होपलेस इट इज। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते थे ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक दो चीजें होती है ना, जानते आप लोग ऑप्टिमिज्म पेसिमिज्म। ऑप्टिमिज्म में व्यक्ति पर्सन इज होपफुल पॉजिटिव माइंडेड, पेसिमिस्टिक व्यक्ति इज होपलेस, अभी सारा रास्ता खत्म हो गया, अभी बस खत्म ही खत्म है। फॉर डिवोशनल लाइफ पेसिमिज्म इज बेटर, आध्यात्मिक जीवन के लिए तो पेसिमिस्टिक ही बेहतर,
बिकॉज आप होपफुल रहेंगे तो फिर वही जाएंगे, वही पकड़ेंगे। पेसिमिस्टिक है तो छोड़ेंगे, ऐसे भी कोई काम को नहीं, छोड़ो और फिर भगवान के आश्रम में दूर आएंगे। अगर कोई ऑप्टिमिस्टिक है मिटिल वर्ल्ड के प्रति, देन गया, देन वहां पर ढूंढता ही रहेगा हमेशा। हम इतने जन्मों से ढूंढ रहे हैं एंड आगे भी ढूंढते ही रहे, अभी कुछ हो जाएगी नहीं। अभी इस वाले इस साल तो बहुत अच्छा साल है, 2024 तो बिल्कुल अच्छा वाला साल है। शनि तो दिखाई नहीं दे रहे भाई, वो शुक्र शुक्र महादशा चालू हो रहे मेरी, इस बार तो बहुत अच्छा हुई। शुक्र भी कुछ नहीं करेंगे, शनिदेव भी कुछ नहीं करेंगे, शुक्र दशा शनि दशा ये दशा वो दशा, कोई दशा नहीं है, केवल दुर्दशा है और कोई दशा नहीं। इसलिए the world is not going to turn around for you, दुनिया पलटने वाला नहीं है आपके लिए, दुनिया तो वैसे रहेगी, वैसे रहेगी। तो हमें निकलना होगा, दुनिया में बदलाव तो नहीं आने वाली। डोंट वेट सी, रुको मत कि अभी चेंज हो जाएगी, अभी कुछ बदलाव हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, बहुत हो गया, देखते थे बहुत हो गया। इसलिए अभी हमें भगवान के आश्रम में आ जाना चाहिए, नाम के आश्रय करना चाहिए। एंड जब आप आश्रय लेने का प्रयास करते, देन एनी एक्स वाई जेड disturbing situation will not disturb your mind, rather कोई भी जो situation आपके जीवन में आई है तो वैसा तो बहुत ही disturbing situation है, वो वही situation आपकी हरिनाम जप में absorption को बढ़ा देगी। अगर आश्रय लिए बिना आप करेंगे देन वो बहुत डिस्टर्बिंग होगी एंड बहुत मन विस्कृत होगा, मन आप चाहे जितना भी नाम पिलाने के प्रयास करो वो भागता रहेगा, इधर उधर जाता रहेगा, बहुत बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है एंड माला करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है वैसे, क्योंकि है ये बहुत डिस्टर्बिंग सिचुएशन है। फिर वैसा सिचुएशन में तो वैसे ही मन नहीं लगता और फिर वैसा डिस्टर्बिंग सिचुएशन में तो बिल्कुल मन इधर उधर हो जाए। बट वही अगर दूसरी और व्यक्ति नाम की आश्रय लेते हुए करे, दैट वेरी सिचुएशन विच इज एक्चुअली वही सिचुएशन जो उनको डिस्टर्ब कर रही है, वही सिचुएशन उनको मदद करेगी उनकी एब्जॉर्प्शन को इंटेंसिफाई करने के लिए, उनकी जो हरिनाम में और तल्लीन होकर जब करने में और मदद। हरिनाम क्योंकि जो व्यक्ति नम्र है वो व्यक्ति इस प्रकार से आश्रय लेता है। एक छोटा सा उदाहरण देकर समाप्त कर दिया, एक बार हम यही इसी प्रकार की बात हम कही और बता रहे हैं। फिर हमने कहा कि humility is that weapon by which you can control a raging mind. नम्रता एक ऐसा अस्त्र है जिसे आप बहुत ज्यादा विचलित मन को आप नियंत्रित कर सकते, बाकी और कोई काम नहीं करेगा, भाग्य और कुछ नहीं काम, पर नम्रता काम करेगी। क्यों?
नम्र व्यक्ति आश्चर्य ये कैसा होता है। मानो कि आपकी किसी झगड़ा हुआ, किसी झगड़ा हुआ, खूब सारे बातें आपने भी कहा, उन्होंने भी सुनाया, बिल्कुल पिछले दिन शाम को ही ये सारा हुआ, तो अगला दिन माल आप पकड़ते क्या होगा, रिप्ले होगा उस सीन का, रिप्ले रीटेलीकास्ट, बारम्बार वो टेलीकास्ट होता रहेगी, आप अपने डायलॉग्स इम्प्रूव करने को प्रयास करते रहे, अरे उस समय तो मैंने ऐसा कहा था, ऐसा कहने की वजह इन्होंने भी ऐसे भी तो किया, ये पॉइंट तो मैंने कहा ही नहीं, अगली बार जब झगड़ा होगी ना ये वाला भी ऐड करके गाओ, ये वाला तो दिमाग में ही नहीं आया था। तो ऐसे ही होता है ना, बारंबार वो जो जो सुनाया, गाली दिया, कहा हमने जो जो सुनाया, तो फिर आप जप कर रहे हैं गाली दे रहे हैं, या हरिनाम सुन रहे हैं गाली सुन रहे हैं, तो ऐसा हो जाता है। वन हू चैंट्स विद एरोगेंस, जो व्यक्ति एरोगेंस के साथ जप करता है, उनके साथ ऐसे ही होता है, बट जो व्यक्ति नम्र है, नाम के आश्रय लेता है, वो इसी सिचुएशन को इस प्रकार से लेता है कि मतलब यही सिचुएशन उनके दिमाग में चल रही है, अभी भी आश्रय ले तो दिमाग में चल रहा है, बट उनकी वर्षन किस प्रकार से रहेगा, से कृष्णा कल मैंने उनके साथ झगड़ा किया, पता नहीं मुझे लगता है कि उनको ही गलती है, बट फिर भी मुझे ये भी लगता है उनकी गलती होने के बाद भी मुझे ऐसा नहीं करना, हालांकि मैं शास्त्र पढ़ तो रहा हूँ और सुन भी रहा हूँ, बट मैं इसे पालन तो नहीं कर पा रहा, इसलिए भगवान आपसे हमारी यही प्रार्थना है, आप ऐसा स्थिति को सहने की शक्ति, हमने जो भी गलती किया है उस गलती के एहसास कराइएगा, हेल्प मी रियलाइज माय ओन मिस्टेक, और आगे से आपसे यही प्रार्थना करते हैं, हमसे कहीं भी कभी भी इस प्रकार की बातें नहीं मिलती, चाहे सामने वाले मुझे कितना भी विचलित करे, हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं हमें उतना शक्ति, उतना सहनशीलता, उतना सामर्थ्य प्रदान करिए, जिससे हम इस प्रकार की बातें कहें, अपने वाक वचन को, अपने जिह्वा को नियंत्रण करने की शक्ति प्रदान करें, मेरी जिह्वा बहुत चपल है, कुछ भी बोल देती है, सोचते ही नहीं कि क्या कहने लगे, क्या नहीं कहने लगे, क्या करूं, मेरा मन इतना अनियंत्रित है, चलत है कि इस प्रकार के कार्य में लग जा रहा हूं, आप ही एकमात्र हमारे आश्रय है, इसलिए मैं आपसे ही तो कह सकता हूँ और आप ही हमें बचा सकते,
यही प्रार्थना है कि आप हमें ऐसे परिस्थिति में बचाओगे। करके व्यक्ति प्रार्थना करेगा। यहाँ पर जस्ट एक सिंपल क्वेश्चन मैंने बताया, उस प्रकार से कुछ भी हो सकता है। अभी मैंने वो सिचुएशन भूल गया क्या? सिचुएशन को भूला नहीं, सिचुएशन वही है, बट उस सिचुएशन को देखने की नजर ही बदली है। पहले एरोगेंस के साथ देख रहा था, अभी ह्यूमिलिटी के साथ देख रहा। पहले उसके समाधान पर मैं एक डिफरेंट ढंग से सोच रहा था कि अगली बार मिलेगा तो पूरा दो। तो पहले से डायलॉग वेलॉग सारा फ्रेम करके, ठीक है अभी जैसा जब खत्म हो जाएगी सारा डायलॉग नोटबुक में लिख देता ताकि याद रहे, अगली बार जब सामने आएंगे सारा डायलॉग पढ़ पढ़ कर सुनाऊंगा। एक तो ये वाला वर्षन है, दूसरा ये वाला वर्षन है। सिचुएशन वही है बट सोचने का तरीका, सोचने का तरीका अलग, यही डिफरेंस है आश्रय लेने में आश्रय नहीं। इसलिए सिचुएशंस आर नॉट बैड आर गुड, इट इज ऑल अबाउट आर कॉन्शियसनेस। सिचुएशन अच्छा पूरा होने में तो हम क्या करें, खुद आएंगे ही, कहाँ तक हम दुनिया को बदल लेंगे, नियंत्रण में है भी नहीं। तो केवल हमें यही करना चाहिए, आश्रय में रहकर भगवान की नाम की सेवा या हर हर नाम की सेवा में उतर करना चाहिए। इसलिए कहते तो भगवान योगन युंजन मदाश्रय, आप मेरी आश्रय में रहते हुए भक्ति योग करो, मदाश्रय मेरे आश्रम में रहते हुए भक्ति योग कर, उस प्रकार से आश्रम में रहते हुए नाम जप कर, उस प्रकार से इन दिस वे वन कैन टेक शेल्टर ऑफ द होली नेम इन एवरी सिचुएशन। एंड देखिए अगर आप सिंसियर हो देन भगवान इंस्पायर करेंगे क्या प्रार्थना करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। इसलिए सिंसियर रहो और प्रयास जारी रखो, भगवान बहुत बहुत धन्यवाद रोहित, बहुत विशेष सेशन है ना। अब पूरा जो भी प्रभु जी ने आज बताया पूरा मनन का विषय है, तो आप सभी एक प्रकार से होमवर्क की तरह भी ले सकते हैं। अभी हम लोग कंक्लूड करेंगे कि जीवन में आश्रय का क्या महत्व है और किस प्रकार से हमें निरंतर भगवान का आश्रय लेके, नाम आश्रय लेके निरंतर भगवान से प्रार्थना करते रहना चाहिए ना। तो बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है। तो कुछ क्वेश्चंस ले सकते हैं प्रभु? ओके, प्रिया सिंह माता जी आप म्यूट कर सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन। आई थिंक प्रिया माता जी, यानी आंचल माता जी आप म्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, uh,
प्रभु जी, बस मैंने कल रात भी भगवतम की क्लास अटेंड करी थी, तो तब भी मैंने हैंड रेस किया था, तो मेरा आंसर मतलब मेरा क्वेश्चन नहीं लिया गया था, बट आज सुबह आपने खुद ब खुद उस चीज का आंसर कर दिया, तो मुझे नहीं पता आपको कैसे पता लग जाता है कि मुझे यही पूछना था और आपने वही आंसर कर दिया। मुझे आज से कल भी यही पूछना था कि हम भगवान का नाम लेते हैं लेकिन हम फिर भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहते हैं छोटी छोटी चीजों से, या घर की जो भी लाइफ होती है उससे हम बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उस पे आपने खुद भी ये आंसर दे दिया, और जो भी मैं कभी अपने मन में ये सोचती हूँ कि मुझे चीज का आंसर चाहिए, मैं आपको कोई भी सेशन अगर खोल के देख लेती हूँ मुझे उसमें उसका आंसर मिल जाता है प्रभु जी। तो रात को भी मुझे बड़ा थोड़ा सा लगा कि मेरा क्वेश्चन नहीं लिया गया, तो लेकिन मुझे नहीं पता था मेरे गुरु मेरा इतना ध्यान रखते हैं, तो वो सुबह खुद ब खुद इसका आंसर दे देंगे। तो प्रभु जी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू आंचल माता जी, थैंक यू। भगवान ने समझ गया, भगवान समझ गया क्या प्रश्न है, मेरे से कोई बात नहीं। सरोज पांडे माता जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा भी यही क्वेश्चन था, जैसे मैं गुरु महाराज के वो जपा सेशन को अटेंड कर रही थी कुछ टाइम से, तो जब से वो चल रहा था तो बता तो रहे हैं महाराज जी कि हाँ हमें ऐसे करना चाहिए ऐसे करना चाहिए, पर प्रभु जी मुझे ना बहुत प्रॉब्लम आ रही है उसको करने में, कि मतलब मैंने वो डिसाइड तो कर लिया कि हाँ मुझे करना है, बट मैं जब वो करने बैठती हूँ चैंटिंग तो मेरा माइंड बहुत ज्यादा भाग रहा है प्रभु जी। मतलब पहले इतना नहीं था, बट अब जब से पुरुषोत्तम मास का वो सब लिया है रेजोल्यूशन, तब से प्रभु जी बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब लग ही नहीं रहा है। एक जब तक मैं महाराज जी के सामने करती थी जपा तब तक ठीक था, उनके साथ करती थी तब तक ठीक था, जैसे ही उनका सेशन स्टार्ट होता है जो बाकी बचे हुए माला है मेरी वो मैं बाद में जब करती हूँ तो बहुत ज्यादा बुरा हाल हो जाता है, मतलब बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं लग पा रहा है बिल्कुल भी। तो उसको कैसे सही करें प्रभु जी, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। बात जो हो रहा है वो ठीक नहीं, वही है ना जी प्रभु जी। जपा सेशन के बाद मत करो, जपा सेशन के पहले कर लो। सेशन के पहले थोड़ा जल्दी उठ के आप पहले जप कर लो, पहले प्रातःकालीन समय पर जप करने करने से हमारा मन कम से कम मुश्किल रहता है। इसलिए अगर प्रयास करें जितना हो सके उतना माला आप जपा टॉक शुरू होने के पहले आप कर सके, उस तरह से प्रयास करिए। दूसरा, अगर महाराज के साथ जब करने में आपको मन लगता है बाद में नहीं लग रहे, तो आप महाराज का सेशन खत्म होने के बाद भी महाराज जी का जब लगाइए, या नहीं तो प्रोपा जी का जब लगाकर प्रोपा जी के साथ या महाराज जी के साथ अब जब कर, जब आप जब करते हो उस समय प्रभुपाद जी का या महाराज का जब चला दीजिए, उनके साथ बैठकर आप जब करिए, आप कभी भी कर सकते हो। ये दो सुझाव आप देख लीजिए, तो पहला जब करना, दूसरा कभी और आप जब कर रहे हैं समय जब सेशन नहीं चल रहा है
उस समय भी आप रिप्ले कर सकते हो, या नहीं तो प्रभुपाद जी का जब चैंटिंग बॉक्स चलाकर फिर आप जप कर सकते हो। बट फिर भी अल्टीमेटली आपको अपना जप सुनना है, आप क्या बोल रहे हो वो सुनना चाहिए। ऐसे भी नहीं कि इतना वॉल्यूम रख दिया कि आप अपना ही नाम अपना ही आवाज सुनाएंगे, ऐसा भी नहीं। डेफिनेटली ऐसे आप मदद कर सकते, ठीक है। ओके।